शुएब मलिक के हवाले से कि शुएब मलिक ने एक 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 अपना सजेशन दिया, एक अपना ओपिनियन दिया कि जी बाबर नहीं तो कौन कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी होने चाहिए इफ़ बाबर आजम स्टेप्स डाउन, और फिर कौन कप्तान होने चाहिए। उस पर आपने बिल्कुल सही कहा था कि अभी तो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बीच में ऐसी बातें भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के दिमाग में ये डाला जाए। तो शुएब जो है, शुएब ने उस पर रिप्लाई किया एंड ही सेड ही लव्स यू। यंगर ब्रदर है और वो चीज़ें मैं नहीं टीवी बोल सकता जो मैंने इसके साथ की हुई हैं, वो इंजी भाई से आप पूछ सकते हैं कि इंजी भाई हमेशा ऐसा क्या किया है आप? वही मैं बता रहा हूँ, इंजी भाई हमेशा मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारी वजह से इसको खिलाता हूँ। तो हमने बहुत सी हेल्प भी की है कई जगहों पर, मैं अभी भी उसको प्यार करता हूँ। और देखें मेरी बात सुनिए, एक घर है, मुंशी भाई का घर है, बेटा इनका को घर को खराब कर रहा हो, ये समझाएंगे कि नहीं? समझाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। अगर पाकिस्तान का कहीं नुकसान हो रहा होगा, मेरा यंगर ब्रदर, तो मैं ही समझाऊंगा, और कौन समझाएगा? बिल्कुल। तो हमने यही कहा है, अगर वो ये कह रहा है कि गलत समझे हैं या गलत बताया है हमने या कोई भी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इतना प्रेशर है, इंडिया में हम खेल रहे हैं, आपने खुद देख लिया, सुन लिया लोगों ने कि उधर स्टेडियम में क्या क्या हो रहा है, तो कितना हमारे लड़कों पर प्रेशर होगा। और एक कैप्टन जिस पर टीम का भी प्रेशर है, उससे टीम लड़वानी भी है, टीम को विनिंग सिचुएशन पर भी लेके आना है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और हम ऐसी बात करें क्यों? बिल्कुल होगा कोई चीज वर्ल्ड कप के बाद, जिसने बोर्ड जाने, जो कमेटी है वो जाने, हमारा काम, हम उस वक्त बात कर सकते हैं जब कोई चीज होगी। हम मीडिया, अगर मीडिया बात करता है इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मगर जब एक क्रिकेटर बात करता है तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कि अभी तो, अब तो वही टीम है हमारी, वही लोग हैं, वही लड़के वहाँ हैं, ना किसी को यहाँ से भेजने के सजेशंस दें, ना तब्दीलियों के सजेशंस वहाँ। उस वक्त वर्ल्ड कप में तब्दीली की बात भी अगर आप नहीं कर रहे और बात की बात भी कर रहे हैं, तो अभी हम अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं और उसके बाद टीम वापस आती है, फिर वापसी का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वक्त ही ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और आज मद मुकाबिल हैं साउथ अफ्रीका और नैदरलैंड, और बाहिर सवेरा को देखकर ऐसा लगता है कि सवेरा आज नैदरलैंड को सपोर्ट कर रही है। उसी जो है, जो उनकी किट का कलर है वही किट तकरीबन, ऐसा लगता है बाहिर स्क्रीन पर कि सवेरा आज मुकम्मल सपोर्ट में उतरी है। और लगता ये है कि आपका जो चल रहा है ना 36 का आंकड़ा यूसुफ भाई के साथ, उनको लगता है आपने टफ टाइम देने के लिए आज ये किया है, मगर मुशी भाई तो इस मुकाबले में है ही नहीं। उमेर देखे, जब वर्ल्ड T20 हुआ था ना 2022, उसके बाद से मैंने कहा था कि पाकिस्तान के बाद अगली मेरी टीम है नेदरलैंड। ये आधा से ज्यादा, बल्कि तकरीबन तमाम पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान नेदरलैंड नहीं है तो हम लोग नेदरलैंड के साथ। आज फिर नेदरलैंड साउथ अफ्रीका है, ये फॉर्मेट डिफरेंट है, मगर क्या पता जिस तरह बारिश के हालात है, ये फॉर्मेट जो है ये 50 ओवर से T20 ही बन जाए। तो T20 बन जाएगा तो कहानी फिर दोहराई जा सकती है। बहरहाल साउथ अफ्रीका की टीम ने एक चेंज है, वो तब्दीली है, वो की है तबरेज शमसी को, आज उन्होंने बाहर बैठा दिया है। इस पर मजीद बातचीत भी होगी। अभी जो स्पार्क्स के लकी विनर हैं कल के, उसका नाम अनाउंस करते हैं, और आज का सवाल भी आप लोगों के सामने रखते हैं। कल का सवाल आपको बता दें कि क्या था, लेकिन सवाल को थोड़ी देर ठहर के मैं कहता हूं कि आगे रखते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हमें कुछ मिली है कि इसको थोड़ी देर के लिए हम रोक लेते हैं, ताकि मजीद जो सस्पेंस है वो हम उसको कायम रख सकें। देखिए, हम कोशिश तो ये करते हैं ना कि जो विनर कौन है, इतने सारे लोगों ने रिप्लाई किया है, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कौन हो सकता है वो विनर, इसका नाम थोड़ा सा हम इसको भी होल्ड करते हैं, हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम अपनी उसी कॉन्वर्जेशन पे वापस आते हैं जिसको हमने वहाँ हमने छोड़ा था, उस कॉन्वर्जेशन को जहाँ पे हम बात यही कर रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग समथिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग समथिंग, बट अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ही इस तरह होती है व्हेन योर कम्युनिकेशन इज स्ट्रॉन्ग। एक हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि शुएब मलिक ने एक स्टेटमेंट सुनी शायद हमारे शो से, और अपने शो पे उन्होंने उस बात का जवाब दे दिया। तो उन्होंने क्या कहा था यूसुफ भाई? कहा कि आई लव यू यूसुफ भाई, लव यू टू, यंग ब्रदर है मेरा, बहुत करीब रहे हम। अच्छा, मुझे आप जरा लगते हैं कि आप यंग लगते हैं उनसे भी। नहीं नहीं, वो बहुत यंग है मेरे से। मैं 40 का होगा, मैं 49 का हूँ, और हमने बहुत इकट्ठे सही वाली टाइम गुजारा। मेरी तो सही है, मेरी सही है, उसका मुझे नहीं पता। यूसी में कहने लगा सी
रातां काट के आफ्टरनून निकाल के माशाल्लाह ये कि दोनों माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं। मैं शुएब की और यूसुफ की यारी को मैंने बड़ा देखा है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना इतना मजा आता है इनकी दोनों की सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि शुएब मलिक की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत आला है वो तो हम सब जानते हैं नहीं, मगर यूसुफ की ना, यूसुफ की और उनकी केमिस्ट्री जो मिलती है ना, ये जैसे ये यूसुफ ने कहा ना कि इकट्ठे रहते थे जब इंजी कप्तान थे तो दोनों खेला करते थे, तो आई वॉज विद द टीम ऑल्सो, सो मैं इनको देखता था, ये इकट्ठा खाना खाना, नाश्ता करना, एक कमरे में रहना, इनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। शुएब मलिक नेचुरली ये बहुत सही कहता है कि यू नो यूसुफ की बहुत इज्जत करता है और यूसुफ भी उतना उतना ही प्यार करता है। वो 40 के नहीं लगते, ये 49 के नहीं लगते। ये जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है ना, ये हो किस लिए रही पाकिस्तान के लिए, मेरी और उसकी तो कोई है ही नहीं, इसमें हमारे हम दोनों के आपस में कोई नहीं है। एक चीज़ और थी जो वसीम भाई के बारे में और मोइन भाई के बारे में मैंने कहा था कि पहले सुन लें उन्होंने कुछ कहा है, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर हैं, मुझे उम्मीद पूरी उम्मीद थी कि वो ये बात नहीं कर सके, वो मोइन भाई ने फिर की भी है कि यार ये टाइम नहीं है ये बात करने का, वो सवाल था आप लोगों का हमसे, वो आपकी स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने तो हाँ ये उन्होंने स्टेटमेंट कह दिया और ये मेरा किसी और ने कही है, मलिक ने नहीं कही, नहीं वो जो होस्ट है उन्होंने कहा कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे बोला, नहीं अब उन्होंने वो मिसअंडरस्टैंड किया, तो यस अच्छी बात ये है वी आर कम्युनिकेटिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट, और हम हशहश नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप हशहश करके अंडर द कारपेट चीजें कर देते हैं तो तब शायद दिलों में डिफरेंसेस और बढ़ जाते हैं। और हमारे जोर का जोड़ में ना डे वन से यही बात हो रही है कि जो टीम हमारी वर्ल्ड कप के लिए गई है ये टीम हमारी है, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका मौके बड़ा क्लियरली डे वन से यही है कि अभी वर्ल्ड कप खत्म होने तक कप्तानी वाली बात के ऊपर बात भी नहीं होनी चाहिए, दीगर नाम जो लिए जा रहे हैं वो आपका मौके अगेन जो है वो आपने सामने। मैं तो यही कहूँगा कि अभी हमने अपने कप्तान को एक तो ये देखें वो आया हुआ है मेरिट पे जी, ये मेरिट वाली चीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए, जैसे इमरान भाई का मैंने कल भी बताया है कि भाई 3 वर्ल्ड कप कप्तानी की उन्होंने, ये तो अभी पहला कर रहा है वर्ल्ड कप। बट आप जब अब जब वो आप बात करते हैं ना 83, 87 एंड देन 92 डायनामिक्स बहुत चेंज थे, सबसे पहले तो डायनेमिक्स ये चेंज थे कि आप 3 वर्ल्ड कप बार बार कह रहे हैं, तो तीसरा वर्ल्ड कप तो ये बाबर का भी है, 2 वर्ल्ड कप हमने उसको टी20 के होता तो है ना, क्रिकेट तो क्रिकेट है, वर्ल्ड इवेंट तो वर्ल्ड इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी बाबर का तीसरा ही वर्ल्ड कप है, बीच में फिर उन्होंने नेहरू कप भी किए हुए हैं, शारजा कप भी किए हुए हैं, वो भी आईसीसी की इवेंट होते हैं, बट उस वक्त डायनेमिक्स मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंस थी। उस वक्त देखे जावेद भाई कितने बड़े प्लेयर थे, उनके होते हुए उनको भी बना सकते थे, इधर तो बाबर से इतना बड़ा बैट्समैन तो कोई नहीं है जितना बड़ा बाबर बैट्समैन है, तो कैसे हम बात कर सकते, जावेद भाई तो बहुत बड़े प्लेयर थे, जहीर अब्बास होंगे 83 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप, बाबर आजम हैज कैप्टन द टीम फॉर अ अच्छा खासा स्पेल, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि लगातार ऑन द स्ट्रेच ही हैज गॉट 3 ईयर्स, बट वही फिर सारी बात आ जाती है कि उस कॉन्वर्जेशन को वहीं अभी ब्रेक लगा देनी चाहिए बिकॉज हमारी टीम एक इवेंट में है। बट मुझे भाई मैं एक चीज़ मतलब मुझे कभी कभार बड़ा ऑड इस बात पे लगता है कि एक मैच हम इंडिया से हारते हैं, यही एशिया कप में हुआ, एक मैच हम इंडिया से हारे और पूरी हमारी कैंपेन, वो टीम जो कि पहले दिन जब एशिया कप में खड़ी हुई थी तो हमने कहा था ये एशिया कप भी जीतेगी, ये तो वर्ल्ड कप में भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर होगी, और सारी प्लानिंग तितर बितर होगी, मतलब मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि आईसीसी ने जो है वो सबसे पहला मैच हमारा इंडिया के